नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करने जा रही हूँ, भीष्म साहनी की। बड़े ही प्यारे और बड़े ही अनुभवी लेखक हैं। हम जब छोटे होते थे तो हमने दूरदर्शन पे उनका एक सीरियल देखा था, तमस। उस समय हमने केवल उसका शाब्दिक अर्थ समझा था, तमस माने अंधेरा। लेकिन जैसे जैसे हमने जिंदगी को समझा तो हमें ये समझ में आई कि बंटवारे का जो दर्द है वो तमस में उन्होंने दिखाने की कोशिश की। यूं तो बंटवारे की कहानियाँ अपने बहुत सारे लेखकों द्वारा लिखी हुई पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, लेकिन भीष्म साहनी ने बंटवारे का दंश झेला और उसको उन्होंने बहुत बहुत बारीकी से उन्होंने उसका आकलन करते हुए अपने रचनाओं में उनका जिक्र किया। और आज जो मैं आपसे कहानी शेयर करने जा रही हूँ वो है फैसला। दोस्तों, फैसला में वो ये कहने का कोशिश कर रहे हैं कि आप ये समझ लीजिए कि आज की तारीख में जो फैसले होते हैं वो कोई नए तरीके से नहीं हो रहे हैं। ठीक वही जिस तरीके से पहले प्रेशर हुआ करते थे जज पे, आज भी हम देखते हैं ठीक वही स्थिति है। और फैसला कई बार कितने प्रेशर में जज को बदलना भी पड़ता है, ये कोई आज की बात नहीं है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। क्योंकि ये जो उन्होंने कहानी लिखी है 1958 के बाद लिखी है, तो जानिए कि जो फैसले होते हैं, जो ऑफिसेज में काम होता है वो फाइलों में उलझा रहता है, और जो फैसले होते हैं वो भी जो फाइल में लिख दिया गया एक बार, जो एक बार थानेदार ने लिख दिया उसको ही आगे पढ़ते हुए फैसला कैसे जज मजबूरी में करता है, इस बात का इस कहानी में बड़ी बारीकी से वर्णन किया गया है कि किस तरीके से फाइलें इंसान की ज़िंदगी बदल देती हैं, फाइलें इंसान का सोचने समझने का तरीका बदल देती हैं। और फैसला कहानी की ओर बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये कहानी बेहद इंटरेस्टिंग है, इसको पूरा देखिएगा, और आप तभी ये समझ पाएंगे कि आज के और उस दौर के जो कायदे कानून थे उनमें कुछ फ़र्क नहीं आया है, ज़िंदगी वैसी ही है, चाहे वो जज हो, चाहे वो पुलिस का ऑफिसर हो, चाहे वो थानेदार हो, चीज़ें वैसी ही हैं और शायद आगे जाके बदलें। लेकिन इस कहानी में जो उन्होंने एक जज का दर्द बयान करने का तरीका दिखाया है अपने शब्दों के जरिए, वो बेहद खूबसूरत है। फैसला यानी कि अपना निर्णय देना, फैसला यही है भीष्म साहनी की कहानी का नाम। उन दिनों हीरालाल और मैं अक्सर शाम को घूमने जाया करते थे। शहर की गलियां लांघकर हम शहर के बाहर खेतों की ओर निकल जाते। हीरालाल को बातें करने का बहुत शौक था और उसकी बातें मुझे सुनने का बहुत शौक था। मैं बातें करता तो लगता जैसे ज़िंदगी बोल रही हो, उसके किस्से कहानियों का अपना अलग फलसफाना रंग होता, लगता जो किताबों में पढ़ा है वो सब गलत है, व्यवहार की दुनिया का रास्ता दूसरा है। हीरालाल मुझसे उम्र में बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन उसने दुनिया देखी है, बड़ा अनुभवी और पैनी नज़र वाला आदमी है। उस रोज़ हम गलियों को लांघ चुके थे और बाग की लंबी दीवार की ओर जा रहे थे, जब हीरालाल ने अपने एक परिचय का आदमी उसे मिल गया और हीरालाल ने उसे गले लगाया और तबाक से उसे बतियाने लगा, मानो बहुत दिनों के बाद मिला हो। मुझे उसने संबोधित करके कहा, आओ मैं तुम्हारा परिचय कराऊं, ये शुक्ला जी है, और गदगद आवाज में कहने लगा, इस शहर में चिराग लेकर भी ढूंढने जाओगे तो इन जैसा नेक व्यक्ति तुम्हें नहीं मिलेगा।
शुक्ला जी के चेहरे पे विनम्रतावश हल्की सी लाली दौड़ गई। उन्होंने हाथ जोड़े और एक झीमी सी झेप भरी मुस्कान उनके होठों से कांपने लगी। इतना नेक सीरत आदमी ढूंढे से भी नहीं मिलेगा। जिस ईमानदारी से उन्होंने जिंदगी की बात बताई, मैं तुम्हें क्या बताऊं? ये चाहते तो महल खड़े कर लेते, लाखों रुपया इकट्ठा कर लेते। शुक्ला जी और ज्यादा झेपने लगे। तभी मेरी नजर उनके कपड़ों पे गई। उनका लिबास सचमुच बहुत सादा था, सस्ते से जूते, घर का धुला हुआ पजामा, लंबा सा कद और बंद गले का कोट, खिचड़ी मूछें। मैं उन्हें हेड क्लर्क से ज़्यादा का दर्जा नहीं दे सकता था। जितनी देर उन्होंने सरकारी नौकरी की, एक पैसे के भी रवादार नहीं हुए। अपना हाथ साफ रखा, हम दोनों एक साथ नौकरी करने लगे थे। ये पढ़ाई के फौरन बाद ही कंपटीशन में बैठे और कामयाब हो गए थे और जल्द ही मजिस्ट्रेट बनकर फिरोजपुर में नियुक्त हो गए थे। मैं भी उन दिनों में वही था। मैं प्रभावित होने लगा। शुक्ला जी अभी लजाते हुए हाथ जोड़े खड़े थे और अपनी तारीफ सुनकर सिकुड़ते जा रहे थे। इतनी सी बात तो मुझे भी खटकी कि साधारण कुर्ता पजामा पहनने वाले लोग आमतौर पर मजिस्ट्रेट या जज नहीं होते। जज होता तो कोट पतलून होती, दो तीन अर्दली आसपास घूमते हुए नजर आते। कुर्ता पजामा भी कोई न्यायाधीश पहन सकता है? इस झेप विनम्रता प्रशंसा में ही तो ये बात रह गई कि शुक्ला जी अब कहाँ रहते हैं, क्या रिटायर हो गए हैं या अभी भी सरकारी नौकरी करते हैं। उनका कुशल क्षेम पूछ कर हम आगे बढ़ गए। ईमानदार आदमी इतना ढीला ढाला क्यों होता है, क्यों सब कुछ आता झेपता रहता है? ये बात कभी भी मेरी समझ में नहीं आई। शायद इसलिए ये दुनिया पैसे की है। जेब में पैसा हो तो आत्मसम्मान की भावना भी आ जाती है। अगर जूते सस्ते हों, पजामा घर का धुला हुआ हो, दामन में ईमानदारी भरी रहने पर भी आदमी छेपता सकुचाता ही रहता है। शुक्ला जी ने धन कमाया होता, भले ही बेईमानी से कमाया होता, तो उनका चेहरा दमकता, हाथ में अंगूठी दमकती, कपड़े घम घम करते, जूते चमचमाते, बात करने का ढंग भी रोबीला होता। खैर, हम चल दिए। बाग की दीवार पीछे छूट गई, हमने पुल पार किया और शीघ्र ही प्रकृति के विशाल आंगन में पहुंच गए। सामने हरे भरे खेत थे और दूर नीलिमा की झीनी चादर ओढ़े छोटी छोटी पहाड़ियां खड़ी थी। हमारी लंबी सैर शुरू हो गई। इस माहौल में हीरालाल की बातों में अपने आप ही दार्शनिकता का पुट आ जाता, एक प्रकार की तटस्थता, कुछ कुछ वैराग्य सा, मानो प्रकृति की विराट पृष्ठभूमि के आगे मानव के जीवन व्यवहार को दिख रहा हो। थोड़ी देर तक तो हम चुपचाप चलते रहे, फिर हीरालाल ने अपनी बाह मेरी बाह में डाल दी और धीमे से हंसने लगे। सरकारी नौकरी का असूल ईमानदारी नहीं है, दफ्तर की फाइल है। सरकारी अफसर को दफ्तर की फाइल के मुताबिक चलना चाहिए। हीरालाल ने मानो अपने आप से ही बात की। वे कहता गया, इस बात की उसे फिक्र नहीं होनी चाहिए कि सच क्या है, झूठ क्या है, कौन क्या कहता है। बस ये देखना चाहिए कि फाइल क्या कहती है, यह तुम क्या कह रहे हो। मुझे हीरालाल का ये तर्क बड़ा अटपटा लगा। हर सरकारी अफसर का फर्ज है कि वो सच की जांच करे। फाइल में तो अंटसंट लिखा रह सकता है। ना ना ना, फाइल का सच ही उस व्यक्ति के लिए एकमात्र सच है। उसी के अनुसार सरकारी अफसर को चलना चाहिए, ना एक इंच इधर ना एक इंच उधर। उसे ये जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि सच क्या है, झूठ क्या है, उसका ये काम नहीं है। बेगुनाह आदमी बेशक पिसते रहे। हीरालाल ने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। इसके विपरीत मुझे इन्हीं शुक्ला जी का किस्सा सुनाने लगा। शायद इन्हीं के बारे में सोचते हुए उसने ये टिप्पणी की थी। जब ये आदमी जज होकर के फिरोजपुर में आया तो मैं वहीं पर था। यह उसकी पहली नौकरी थी। यह आदमी सचमुच इतना नेक, इतना मेहनती, इतना ईमानदार था कि तुम्हें क्या बताऊं। सारा वक्त इसे इस बात की चिंता लगी रहती थी कि इसके हाथ से किसी बेगुनाह को सजा न मिल जाए। फैसला सुनाने से पहले इससे भी पूछता, उससे भी पूछता कि असलियत क्या है, दोष किसका है, गुनाहगार कौन है। तो अपनी माँ को इसने वचन भी दिया था कि वह किसी बेगुनाह को सजा कभी नहीं दिलाएगा। ऐसी कोई बात उसने मुझे सुनाई भी थी। छोटी उम्र में सभी लोग
आदर्शवादी होते हैं, वह जमाना भी था आदर्शवाद का, मैंने जोड़ा। पर हीरालाल कहे जा रहा था, आधी आधी रात तक ये मिसले पड़ता और मेज पे चिपटा रहता। उसे यह डर रहता कि कहीं उससे कोई भूल ना हो जाए। एक एक केस को बड़े ध्यान से जांचा करता था, फिर यूं हाथ झटक कर और सिर टेढ़ा करके मानो इस दुनिया में सही क्या है और गलत क्या है का अंदाज लगा पाना कभी संभव ना हो, हीरालाल कहने लगा। उन्हीं दिनों फिरोजपुर के नज़दीक एक कस्बे में एक वारदात हो गई और केस जिला कचहरी में आया। मामूली सा केस था, कस्बे में रात के वक्त किसी राह जाते मुसाफिर को पीट दिया गया था और उसकी टांग तोड़ दी गई थी। पुलिस ने कुछ आदमी हिरासत में भी लिए और मुकदमा इन्हीं शुक्ला जी की कचहरी में पेश हुआ। आज भी जब वह सारी घटना मेरी आंखों के सामने आ गई है, अब जिन लोगों को हिरासत में ले लिया गया था उनमें इलाके का जिलेदार और उसका जवान बेटा भी शामिल था। पुलिस की रिपोर्ट थी कि जिलेदार ने अपने लठैत भेज करके उस राहगीर को पिटवाया है। जिलेदार खुद भी पीटने वालों में शामिल था, उसके साथ उसका जवान बेटा और कुछ अन्य लठैत भी थे। मामला वहां रफा दफा हो जाता अगर राहगीर की टांग न टूट गई होती। मामूली सी मारपीट होती तो पुलिस भी परवाह नहीं करती, लेकिन इस सारे मामले में तो पुलिस इतना बड़ा बवाल हो गया था कि पुलिस नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। खैर, गवाह पेश हुए, पुलिस ने भी मामले की तहकीकात की और पता यही चला कि जिलेदार ने उस आदमी को पिटवाया है और पीटने वाले राहगीर को अधमरा समझ करके छोड़ गए थे। 3 महीने तक केस चला। हीरालाल कहने लगा, केस में कोई उलझन कोई पेचीदगी नहीं थी, पर हमारे शुक्ला जी को चैन कहाँ। इधर जिलेदार के हिरासत में लिए जाने पर हालांकि बाद में उन्हें जमानत पे छोड़ दिया गया, कस्बे भर में तहलका मच गया था। जिलेदार का तो तुम जानते ही हो, जिलेदार का काम मालगुजारी उगाहना होता है और गांव में उसकी बड़ी हैसियत होती है, यूं वह सरकारी कर्मचारी नहीं होता। खैर, तो जब फैसला सुनाने की तारीख नजदीक आई तो शुक्ला जी की नींद हराम हो गई। कहीं गलत आदमी को सजा न मिल जाए, कहीं कोई बेगुनाह न मारा जाए। उधर पुलिस तहकीकात करती रही, इधर शुक्ला जी ने अपनी प्राइवेट तहकीकात शुरू कर दी। इससे पूछ, उससे पूछ, जिस दिन फैसला सुनाया जाना था उससे एक दिन पहले शाम को ये सज्जन उस कस्बे में जा पहुंचे और वहां के तहसीलदार से जा मिले। वह उनकी पुरानी जान पहचान का था। उन्होंने उससे भी पूछा, भाई बताओ अंदर की बात क्या है, तुम तो कस्बे के अंदर रहते हो, तुमसे तो कुछ छिपा नहीं रहता है। अब जब तहसीलदार ने देखा कि जिला कचहरी का जज उस चलकर उसके घर आया है और जज का बड़ा रुतबा होता है, उसने अंदर की सही सही बात शुक्ला जी को बता दी। शुक्ला जी को पता चल गया कि सारी कारस्तानी कस्बे के थानेदार की है, सारी रात की शरारत उसी की है, उसकी कोई पुरानी अदावत जिलेदार के साथ थी और वह जिलेदार से बदला लेना चाहता था। एक दिन कुछ लोगों को भिजवा करके एक राहजादे मुसाफिर को उसने पिटवा दिया, उसकी टांग तोड़वा दी और जिलेदार और उसके बेटे को हिरासत में ले लिया। फिर एक के बाद एक झूठी गवाही। अब कस्बे के थानेदार की मुखालफत कौन करे, किसकी हिम्मत। तहसीलदार ने शुक्ला जी से कहा कि मैं कुछ और तो नहीं जानता, पर इतना जरूर जानता हूँ, जिलेदार बेगुनाह है, उसका इस पिटाई से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। वहां से लौट करके शुक्ला जी दो एक जगह और गए और वहां भी उन्होंने जिलेदार की तारीफ सुनी। जब शुक्ला जी को यकीन हो गया कि मुकदमा सचमुच झूठा है तो उन्होंने घर लौट करके अपना फैसला फौरन बदल दिया और दूसरे दिन अदालत में अपना नया फैसला सुना दिया और जिलेदार को बिना शर्त रिहा कर दिया। उस दिन वह मुझे क्लब में मिला, मैं सचमुच बड़ा खुश था और उसे बहुत दिन बाद चैन नसीब हुआ था। बार बार भगवान का शुक्र कर रहा था और अन्याय करते करते बच गया, वरना उससे बहुत बड़ा पाप होने जा रहा था। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो रही थी, यह तो अचानक ही मुझे सूझा कि मैं तहसीलदार से मिलने चला गया, वरना मैंने तो अपना फैसला लिख भी डाला था, उसने कहा। हीरालाल की बात सुनके मैं सचमुच बड़ा प्रभावित हुआ। अब मेरी नज़रों में शुक्ला जी सस्ते जूतों और मैले कपड़ों में एक ईमानदार इंसान ही नहीं था, बल्कि एक गुर्दे वाला जिंदा दिल और जीवट वाला व्यक्ति था। उसे बाग की दीवार के पास खड़ा देखकर जो अनकंपा सी मेरे दिल में उठी थी
वह जाती रही और मेरा दिल उसके प्रति श्रद्धा से भर गया। हमें सचमुच ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो मामले की तह में जाएं और निर्दोष को आज तक न आने दें। खेतों की मेड़ों के साथ साथ चलते हम बहुत दूर निकल आए थे, वास्तव में उस सफ़ेद बुद्ध तक जा पहुँचे जहाँ से हम अक्सर दूसरे रास्ते से मुड़ने लगते। फिर जानते हो क्या हुआ, हीरालाल ने बड़ी आत्मीयता से कहा। कुछ भी हुआ हो, हीरालाल मेरे लिए इतना काफ़ी है कि वह आदमी जीवट वाला और ईमानदार है। उसने अपने असूल को पक्का रखा। सुनो सुनो, उस असूल जमीर का क्या होता है? तो दूसरा फाइल का। हीरालाल ने दानिशमंदों की तरह से सिर हिलाया और बोला, आगे सुनो। फैसला सुनाने की देर थी कि थानेदार तो तड़प उठा, उसे तो जैसे सांप ने डस लिया हो। चला था जिलेदार को नीचा दिखाने और उल्टा सारे कस्बे में लोग उसी की लानत मलानत करने लगे। चारों ओर थू थू होने लगी और उसे उल्टे लेने के देने पड़ गए। वह भी पक्का घाक था, उसने आव देखा ना ताव, सीधा डिप्टी कमिश्नर के पास जा पहुंचा। जहां डिप्टी कमिश्नर जिले का हाकिम होता है, वहां थानेदार अपने कस्बे का हाकिम होता है। डिप्टी कमिश्नर से मिलते ही उसने हाथ बांध लिए कि हजूर, मेरी इस इलाके में बदली कर दी जाए। डिप्टी कमिश्नर ने कारण पूछा तो बोला, हजूर इस इलाके को काबू रखना मुश्किल काम है, जहाँ चोर डकैत बहुत हैं, बड़े मुश्किल से काबू में रखे हुए, मगर हजूर यहाँ जिले का जज ही रिश्वत लेकर के शरारती लोगों को रिहा करने लगे तो मेरी कौन सुनेगा, कस्बे का निज़ाम चौपट हो जाएगा। और उसने अपने ढंग से सारा किस्सा सुनाया। डिप्टी कमिश्नर सुनता रहा। उसके लिए यह पता लगाना कौन सा मुश्किल काम है कि किस अफसर ने रिश्वत ली है या नहीं ली है, कब ली है और किससे ली है। थानेदार ने साथ में ये भी जोड़ दिया कि फैसला सुनाने के एक दिन पहले तक जज साहब हमारे कस्बे में भी तशरीफ लाए थे। डिप्टी कमिश्नर ने सोच विचार कर कहा कि अच्छी बात है, हम मिसल देखेंगे, तुम मुकदमे की फाइल मेरे पास भिजवा दो। थानेदार की बाछें खिल गई, वह चाहता ही यही था। उसने झट से फिर हाथ बांध दिए कि हुजूर एक और अर्ज है, मिसल पढ़ने के बाद अगर आप मुनासिब समझें तो मुकदमे की हाई कोर्ट में अपील करने की इजाज़त दे दी जाए। आखिर वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। डिप्टी कमिश्नर ने मुकदमे की मिसल मंगवा ली। शुरू से आखिर तक वह मुकदमे के कागजात देख गया, वहीं गवाहियां देख गया, एक एक कानूनी नुक्ता देख गया और उसने पाया कि सचमुच फैसला बदला गया है। कागजों के मुताबिक तो जिलेदार मुस्लिम निकला था, मिसल पढ़ने के बाद तो उसे थानेदार की मांग जायज लगी कि हाईकोर्ट में अपील दायर करने की इजाज़त दी जाए। चुनाचे उसने इजाज़त दे दी। फिर क्या, शक की एक गुंजाइश भी नहीं थी। डिप्टी कमिश्नर को तो शुक्ला जी की ईमानदारी पे भी संदेह होने लगा था। फिर क्या, शक की गुंजाइश ही नहीं थी। डिप्टी कमिश्नर को तो शुक्ला की ईमानदारी पे भी संदेह होने लगा। कहते कहते हीरालाल चुप हो गया। धूप कब की ढल चुकी थी और चारों ओर शाम के अवसादपूर्ण साए उतरने लगे थे। हम देर तक चुपचाप चलते रहे। मुझे लगा मानो हीरालाल इस घटना के बारे में न सोच करके किसी दूसरी ही बात में सोच रहा है। ऐसी चलती है व्यवहार की दुनिया, मैं कहने लगा। मामला हाईकोर्ट में पेश हुआ और हाईकोर्ट से जिला अदालत के फैसले को रद्द कर दिया गया। जिलेदार को फिर से पकड़ लिया गया और उसे 3 साल की कड़ी कैद की सजा मिल गई। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में शुक्ला पर लापरवाही का दोष लगाया और उसकी न्यायप्रियता पे संदेह प्रकट किया। इस मुकदमे से ही शुक्ला जी का दिल टूट गया। उसका मन ऐसा खट्टा हुआ कि उसने जिले से बदली कराने की दरखास्त दे दी और सच मानो उस एक फैसले के कारण वह जिले भर में बदनाम होने लगा। सभी कहने लगे रिश्वत देता है। बस इसके बाद 5-6 साल तक वह उसी महकमे में घिसटता रहा, इसका प्रमोशन रुका रहा। इसीलिए कहते हैं कि सरकारी अफसर को फाइल का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, जो फाइल कहे वही सच, बाकी सब झूठ। अंधेरा घिराया और हम अंधेरे में ही धीमे धीमे शहर की ओर लौटने लगे थे। मैं समझ सकता हूँ कि शुक्ला जी के दिल पर क्या बीती होगी और वो कितना हत बुद्धि और परेशान रहा होगा। वह जो न्यायप्रियता का वचन अपनी माँ को देके आया था, फिर क्या हुआ? जजी छोड़कर शुक्ला जी कहाँ गए? अध्यापक बन गया और क्या, एक कॉलेज में दर्शन शास्त्र पढ़ाने लगा। सिद्धांतों और आदर्शों की दुनिया में ही एक ईमानदार आदमी
इत्मीनान से रह सकता है। बड़ा कामयाब अध्यापक बना, ईमानदारी का दामन इसने कभी नहीं छोड़ा। बहुत सी किताबें भी लिखी, बढ़िया से बढ़िया किताबें लिखी, पर व्यवहार की दुनिया से दूर, बहुत दूर।